हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट एंड एडिशन. ठीक है, एंड एडिशन. अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा. डेरिवेटिव का साइन इसको हम स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, इस तरह करके डी ऑफ एक्स वाई. ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करेंगे, मतलब हम लोगों ने इसका क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालना. ये प्रोडक्ट है ना, क्योंकि एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज़ इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगता है. फॉर्मूला क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स इन टू वाई, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वाई डी बाई डी एक्स इन टू एक्स. मतलब पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वन, ठीक है, ये वाला एज इट इज़ लिख देना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लेना है हम लोगों ने. फिर हमने क्या करना है कि सेकंड वाला एज इट इज़ लिख देना यहाँ पर प्लस के बाद, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेना है. अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, दिस इज़ फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, अगर हम इसको भी सॉल्व कर लें तो ये ईजी ही है. क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट से है, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है. अगर हम बेसिक देखें ना, बेसिक डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डी एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की पावर एन का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है. तो यहाँ क्या होगा, जो पावर है हमारे पास वो फर्स्ट में आ जाएगी, डेरिवेटिव एक्स की पावर एन माइनस वन. जो हमारे पास बेस होती है, मतलब अब वेरिएबल जो होता है उसकी पावर फर्स्ट में आ जाती है, उसके बाद जो उसका, ये यहाँ डी नहीं आना था, सॉरी, यहाँ इस तरह ही से ही रहेगा. मतलब कि डेरिवेटिव हम लोगों ने फर्स्ट, ये सिंगल डेरिवेटिव लेना ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की पावर एन, एन पहले आ जाएगा, एक्स एज इट इज़ और एक्स की पावर एन माइनस वन. ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. अगर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो फिर इसको अगेन हम लोग करेंगे. ठीक है, ये हमारा सिंपल ऐसे ही रहेगा, मतलब इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, राइट. अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, एक्स स्केयर वाई, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा. इसको हम लिखते हैं एग्जांपल, ये हम इसकी एग्जांपल रहे हैं, ये इसकी एग्जांपल है. यहाँ पर आ जाएगा डी वाई वाई डी एक्स प्लस यहाँ वाई एज इट इज़ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ एज वाई एज इट इज़. देखिए मैंने आपको ऊपर बेसिक फॉर्मूला बताया है डेरिवेटिव का, तो उसमें उसके हिसाब से क्या होगा कि एन यहाँ पर क्या है, टू, हेयर एन इज़ इक्वल टू टू, तो एन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू. ठीक है, टू आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर टू में से माइनस वन कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, टू हम इस ब्रैकेट से बाहर ले जाएँ तो टू वाई आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टू की पावर माइनस वन क्या आ जाएगा, एक्स की पावर वन. ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर हम इसमें से खाली एक्स को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई. एक्स हमने कॉमन ले लिया ना, तो हमारे पास ये बच जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन का, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, राइट. अगर हम एडिशन का करें, एडिशन में हमारे पास क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एग्जांपल नंबर टू, तो इसका अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मोस्टली हमारे पास गिवन होता है कि हम लोगों ने डेरिवेटिव किस चीज़ से लेना है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, वाई लेना है, या जी लेना है, कुछ भी लेना है, वो वेरिएबल लिखा होता है कि हमने इस रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है. ठीक है ना, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट एक्स क्यूब. ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, राइट. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो पावर जो है इसकी टू पहले आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, एक्स की पावर टू माइनस वन, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि थ्री पहले आ जाएगा और एक्स थ्री माइनस वन, राइट. इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, टू एक्स की पावर टू माइनस वन इज़ इक्वल टू वन प्लस थ्री, एक्स की पावर थ्री माइनस वन इज़ इक्वल टू टू. अगर हम इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू प्लस थ्री एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इसका. अब इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि एडिशन में भी हम लोग डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं. ठीक है ना, ये अब आपका हो गया सॉल्व. नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोगों को कि हम लोग डिवीजन में किस तरह करते हैं डेरिवेटिव अप्लाई, और
सब्सट्रैक्शन में हम लोग किस तरह करते हैं अप्लाई, ठीक है। Thank you.